माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है वो कैसे आप स्टेटस देख सकते हैं, यानी आप कैसे पता कर सकते हैं कि मेरा जो है आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट इन तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। तो इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो बैंकिंग रिलेटेड या फिर टेलीकॉम या फिर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने आधार कार्ड के साथ कैसे पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं इसमें आपको बता देता हूं कि आप अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड यदि आपका लिंक है तो कैसे स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट में आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो यहाँ पर गाइस, जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है आपको, जैसे लिंक आधार कार्ड, लिंक आधार, ई पे टैक्स, और यहाँ पर इनकम टैक्स, वेरीफाई योर पिन, और यहाँ पर नो टेन और फिर टैक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। गाइस, आपको इसे यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर इंटर करने को बोलेगा, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर इंटर कर लेना है, उसके बाद गाइस यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी आपका नेम होगा वो नेम यहाँ पर इंटर कर देना है, उसके बाद गाइस यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर कोई भी आप इंटर कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगा। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है आधार कार्ड के साथ अगर आपका बर्थ सिर्फ यहाँ पर ईयर वाला दिया गया है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए गाइज, मैं सारा डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं गाइज, मैं यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप कर लिया हूँ, उसके बाद आपको लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, UIDAI के द्वारा यहाँ पर OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको सिंपल सा वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो है आधार कार्ड का साथ पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक है, इसीलिए यहाँ पर बता दिया कि योर पैन कार्ड इज ऑलरेडी लिंक विथ आधार कार्ड। तो गाइज, इसी प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो आधार कार्ड है पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। तो आशा करता हूँ गाइज ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। गाइज, वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड यहाँ पर 30 जून तक आप नहीं अगर लिंक करते हैं तो यहाँ आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को कंप्लीट आपको अच्छे से देख लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।